नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर स्पीच का खास शो अजब गजब घटनाएं। अगर कोई आंख बंद कर या आंख पर पट्टी बांध कर यह बता दे कि आपने जो घड़ी पहनी है या आपके पास जो मोबाइल है उसमें कितना समय हो रहा है, आपने जो कपड़े पहने हैं उसका रंग कैसा है, या आपने गले में जो माला पहनी है उसका रंग कैसा है, आपके आसपास कितने लोग खड़े हैं। यही नहीं, अगर ये शख्स आंख पर पट्टी बांधकर साइकिल भी चलाए तो आप इसे क्या कहेंगे? जरूर आपके मुंह से अचानक ही निकल पड़ेगा मिरेकल। जी हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लोग इसे गॉड गिफ्टेड की संज्ञा दे रहे हैं। ये खासियत वाराणसी के लोता इलाके की रहने वाली कक्षा 7 की एक छात्रा रिया तिवारी में है। रिपोर्टर्स पेज की टीम इस अनोखी कला को पुष्ट करने के लिए लोहता गांव के एक विद्यालय में पहुंची, जहां यह छात्रा मिली। इस छात्रा के बारे में जो सुना गया था उसे जांचने के लिए हमने कैमरे के सामने वो सारी एक्टिविटीज कराई जो सुनी गई थी। सबसे पहले जो काली पट्टी उसे आग पर बांधनी थी उसे हमने अपने एक कलीग की आंखों पर बांध कर टेस्ट किया। उसके बाद छात्रा के आंख पर टिश्यू पेपर रखकर काली पट्टी बांधी गई। फिर छात्रा ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो उनसे पूछे गए। मसलन, सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसने क्या पहना हुआ है, किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस हाथ में अंगूठी है, कित चमक रहा है, दिख रहा है बाहर आपको? कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये है कॉन्सेप्ट। अब इस पट्टी को खोलेंगे और छोटी बच्ची की आँख में सेम इसी तरह से बांधेंगे। ठीक है, आपके सामने बताइए, ये भैया जो खड़े हैं क्या कर रहे हैं? ये कोई बेसिक वीडियो बना रहे हैं, कोई बेसिक। ठीक है, अच्छा सामने देखो रिया। हाँ, आप कराइए मैम। आप मैम मोबाइल है, क्या कलर क्या है? वाइट कलर है। टाइम टाइम ये दिख रहा है कुछ? 2:17। कितनी अंगूठी है और किस रंग की अंगूठी है? उसके साथ घड़ी और मोबाइल दिखाकर उसमें वक्त पूछा गया, जिसका उस छात्रा ने सटीक जवाब दिया। इस तरह के कई सवाल आंख पर पट्टी बांध कर देना आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य है। इस छात्रा को लोग मिरेकल घर के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधक की माने तो ये कोई दैवी शक्ति नहीं है, बल्कि स्कूल में चलाया जाने वाला 3 महीने का एक विशेष कोर्स है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसमें 5 से 15 वर्ष के छात्र छात्राओं को योग और मेडिटेशन के माध्यम से एक विशेष शिक्षा दी जाती है। नाम आपका? रिया तिवारी। रिया, किस क्लास में पढ़ती हो, किस स्कूल में पढ़ती है आप? क्लास 7th में SES हथवाड़पुर लोता वाराणसी। जी, ये जो आप आंखों पे क्या नाम है आपका? रिया तिवारी। कौन से स्कूल में और किस क्लास में? सितला चिल्ड्रन स्कूल, क्लास 7th। रिया, आपके ये सब मेडिटेशन के द्वारा योगा करवाते हैं, क्या क्या कर पा रही हैं आप? पट्टी बांध करके क्या क्या कर लेती हैं? साइकिल चला सकते हैं और सबके कपड़े भी देख के बता सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, पढ़ाई में भी। बेटा एक चीज बता दो कि जैसे कि आपने आप पट्टी बांधा है, याद रहता है? इसमें बच्चों को देखी हुई या याद की हुई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, जो मस्तिष्क के दाहिने भाग में संचित रहती हैं, जिसमें आंख पर काली पट्टी बांधकर सब कुछ देखने की कला सिखाई जाती है। इससे विद्या से बच्चों में याद करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे आने वाले समय में वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। मैम रिया तिवारी, क्लास 7, ये बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की हुई है, ये 3 मंथ का कोर्स है, और ये बच्ची ब्लैंक फोल्ड करके सारी एक्टिविटी में जैसे कलर पहचानना या वॉच टाइम क्या हो रहा है, रिंग या सूज, जो भी आप कुछ भी पूछेंगे ब्लैंक फोल्ड करके ये बता सकती है, और रीडिंग करना ये सब कर सकती है।
कितना समय इसको लगा है? और 3 मंथ का कोर्स है ये, और पढ़ाई में काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे कि कोई चीज़ लर्न करना, लर्न करके भूल जाना, ये कोर्स करने के बाद वो लंबे समय तक लर्न याद भी रहता है। और सर, मेरा नाम राजन तिवारी है और इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं हम। विद्यालय अपना CBSE से 10+2 तक अफिलिएटेड है, रूरल एरिया में हमारा विद्यालय है और प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट की हमेशा चलती रहती है। नहीं सर, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये 5 साल से 15 साल तक के हर किसी बच्चे के अंदर इसको एक्टिव किया जा सकता है। और ये कोर्स का नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसमें मेडिटेशन और योगा के माध्यम से बच्चे के ब्रेन के एक्टिव किया जाता है और इससे बच्चों को एक्टिवेशन इस तरह से किया जाता है कि बच्चे द्वारा आज देखी हुई, याद की हुई बातें लॉन्ग टाइम तक ब्रेन के राइट मेमोरी में सेव हो जाता है। फॉर एक एग्जांपल बताएं, हमारे आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जो आज तक हम लोग को याद है, बचपन की बातें आज भी याद है, जैसे साइकिलिंग करते समय हम लोग गिर गए हों वो याद है, चोट याद है, हाँ ये चोट लगी है। और अभी 1 महीने पहले की कुछ बातें ऐसी है जो हमारे ब्रेन में सेव नहीं है, पूछा जाए तो हम नहीं बता पाते हैं। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक्टिव करने के, ब्रेन को एक्टिव करने के बाद इनको जो तरीका दिया जाता है बच्चों को, उस तरीके से बच्चे अपने बातों को राइट ब्रेन में सेव कर लेते हैं और राइट ब्रेन में जो डेटा सेव होता है वो हमारे लॉन्ग लाइफ तक डेटा हमारे माइंड में सेव रहता है। इसका मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ इसको जोड़ा जाए और एजुकेशन में लर्न की हुई, याद की हुई क्वेश्चन चैप्टर उनके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए राइट ब्रेन में सेव हो जाए। इसके साथ साथ इसका उपयोग सैन्य सेवाओं में भी किया जा सकता है, जिसके बेहद चौंकाने वाले परिणामों के साथ रक्षा क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी। वह स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि 3 लेवल के कोर्स का अभी ये पहला लेवल है, 3रे लेवल के बाद बड़े चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसी ही घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं अजब गजब घटनाएं।